देखिए, जो सीबीआई जांच एलजी साहब ने ऑर्डर करी है एक्साइज पॉलिसी में, उसमें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रोल पे, दिल्ली सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे, उसके मंत्रियों पे, नेताओं पे, विधायकों पे, केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा केस होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 साल में तकरीबन 150 केस अलग अलग एजेंसीज से आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किए गए हैं। जहाँ 150 केस कर लिए वहाँ से 151 भी सही। लेकिन आज तक सीबीआई लगाने के बावजूद, दिल्ली पुलिस लगाने के बावजूद, ईडी लगाने के बावजूद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाने के बावजूद, आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार पर एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां सिद्ध नहीं कर पाई। तो कर लें इस मामले में भी सीबीआई जांच। पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और आप ये देखिएगा, जैसे ही ये जांच अगले 6 महीने, 8 महीने, साल भर में ख़त्म होगी, तो इन्हें भी कोर्ट हड़काएगी और कहेगी कि बिना सबूत के केस आपने कैसे कर दिया। परंतु अब ये तो साफ दिख रहा है पूरे देश को कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। पर हम किसी भी प्रकार की जांच से नहीं डरते हैं। कोई भी एजेंसी निकाल लीजिए, आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर आप एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका एक बयान आया कि जिस तरह एलजी ने एमएचए को रिकमेंड किया कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, इस पे दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली। इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, सत्येंद्र जैन ने कहा कि मेमोरी लॉस हो गया, कोई बात नहीं बता पाए। क्या इस तरह की घटना अब मनीष सिसोदिया के साथ भी देखने को मिलेगी? दिल्ली सरकार की हर पॉलिसी नियम कायदे कानून के अनुसार बनाई जाती है। इसलिए जैसा हमने कहा, एलजी साहब को चाहे सीबीआई को केस भेजना हो, दिल्ली पुलिस को भेजना हो, ईडी को भेजना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना हो, वो जिसको चाहे केस भेज दें। दिल्ली सरकार की किसी भी पॉलिसी में एक पैसे का भ्रष्टाचार, एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। अगर दिल्ली सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया होता ना, पिछले 7 सालों में मोदी जी की सरकार ने हमारी सरकार को अंदर कर दिया होता। हर कोशिश के बावजूद भी वो एक पैसे का भ्रष्टाचार ना पहले साबित कर पाए हैं, ना आज साबित कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने एक चीज़ ज़रूर साबित कर दी है कि पूरे देश में अगर उन्हें एक आदमी से डर लगता है तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। तभी हाथ धो के अपनी सारी एजेंसीज को अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायकों के पीछे लगाया हुआ है।